करोगे। हमारा आज ब्लैक डे आउट था क्योंकि लड़के इधर थे, देवान इन पोजिशन कि हर कोई ब्लैक टी शर्ट खरीद सके। उसमें भी कुछ बंदों के जो थोड़ा बहुत कचा था वो मिलाकर हमने कुछ लोगों के लिए ब्लैक टी शर्ट लाई और फिर ब्लैक रिबन्स का डे बना दिया। देखिए सर, अगर आप जानते हो सब कुछ, हम दिस इज़ आवर 12th डे, 11 दिन से हम चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम, हमारे साथ प्रॉब्लम्स है। सब तक आवाज़ पहुंची लेकिन जेके बैंक तक नहीं आवाज़ पहुंची। अब हमें लगा कि शायद, वो बोलते हैं ना, बहुत बार खामोशी भी बहुत काम कर जाती है, तो हमें लगता है शायद उनको हमारी खामोशी ही पसंद आएगी। क्या उनको लगता है उनका ईगो हटा था जब हम कुछ बोलते हैं, शायद हमारी ज़ुबान से ऐसा कुछ निकल रहा है जिससे उनका दिल टूटता है, उनको लगता है कि नहीं उनका ईगो हट होता है। तो हम आज इसलिए आए हैं कि हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, वी आर टोटली साइलेंट, वी विल नॉट शाउट एनीथिंग। हम कोई स्लोगन नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ जो बराए करम, अगर आपको नहीं हमारी आवाज़ पहुंची, शायद जो हमारी दिल से निकलती है, जो हमारी खामोशी दिल में बसी हुई है, वो शायद आपको समझ में आए। हम उस खामोशी के कारण आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारी खामोशी को ही सुन लीजिए, आप उसी को ही पहचान लीजिए आप कि हम सच में टूटे हुए हैं। खामोशी का मतलब, खामोश कब होता है इंसान? जब इंसान को लगता है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो गए, उसके बाद बंदा खामोश होता है। और वही हालत हमारी आज है, और हमारे लिए आज ब्लैक डे आउट भी है, क्योंकि अभी तक आपने वाइट देखा, नाउ इट्स ब्लैक। हम नहीं चाहते हैं कि नेक्स्ट मूव में हम रेड पे जाएं। वी आर वेरी, फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, मत सुनिए हमारी जो हमने इतना चिल्ला चीखा चलाया, प्लीज़ हमारी खामोशी को ही सुन लीजिए। और उसी खामोशी को बोलते हैं ना, उसको उसी खामोशी को लेकर हमारे साथ जो भी वादे किए थे उसी को प्लीज़ प्यार से मान लीजिए, सो दैट कि हम भी अपने घरों को तक ऐसा कुछ नहीं हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली हमें ही फिर आवाज़ आती वहाँ से कि आ जाइए, कोई इशू नहीं है, बैठ के बात करते हैं। या जो इसका खामोशी का ये भी मतलब है कि सर हमें नहीं चीखना है, नहीं चिल्लाना है, किसी को नहीं बुलाना है, सिर्फ आपको सुनाना है, आप ही बुलाइए बंद कमरे के अंदर, जो भी सही होगा खामोशी में, जो फैसला होगा जो दोनों के हित में होगा वो चीज़ कर लीजिए, सो दैट कि दोनों का फ़ायदा हो जाए। और प्लस जो हमारी सोसाइटी भी अभी सफ़र कर रही है हमारी वजह से। हमारे घर में जब हम घर फ़ोन करते थे पहले बोलते क्या हुआ, अब वो भी नहीं बोलते हैं, हमारे घर वाले भी खामोश हो गए हैं, उनको भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो इतना ही कह रहे हैं आपको जो सही लगता आप कर लीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ से उन्होंने जो खामोशी इख्तियार की है वही खामोशी से हमें डर लगता है। अब हमें भी लगा कि शायद वो हमें खामोशी से डरा रहे हैं, तो हम भी उनको रिक्वेस्ट अपनी खामोशी से कराएं। वो खामोशी से डराते हैं लेकिन हम अपनी खामोशी से उनको नहीं डरा सकते हैं, हम अपनी खामोशी को उनको ये बता सकते हैं कि सर अब हम थक गए, हमारे जो सारा सिस्टम है 11 दिन से न कोई घर गया है न कहीं गया है, 11 दिन से इधर ही रहे हैं, न पैसा है किसी के पास, न कुछ है, सब कुछ उधार मांग के करना पड़ता है। इवन आप बिलीव, प्लीज़ सर, हाँ मुझे दिख रहा है, मुझे तो माशाल्लाह सरकार कहीं नहीं दिख रही है, और मुझे वो भी नहीं दिख रहा है कि जो बड़े वादे करते थे सेव यूथ सेव नेशन। अनफॉर्चुनेटली जब भी आज की डेट में पेपर खुलाते हैं या कोई मीडिया की चैनल खोलते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो हमारा कश्मीर J&K का यूथ होता है वो इधर ही होता है। अगर आपने कल का देखा होगा, कल जम्मू के जो हमारे खिदमत सेंटर वाले यहाँ पे आते थे, अब उनके पैसे खत्म हो गए थे, दे स्टार्टेड दिस प्रोटेस्ट इन जम्मू प्रेस क्लब, यस्टरडे वो न्यूज़ भी आई थी, तो वहाँ से भी शुरू हो गया। पता नहीं क्यों हर कोई ये चाहता है कि यूथ सिर्फ इसी काम में लगे रहें,
इनका कोई मुस्तकबल ना हो, कोई फ्यूचर ना हो। नहीं तो अगर फ्यूचर हमारा होता तो हम बाकी जो हमारे डाउन द लाइन जो न्यू जनरेशन होती, हम उनको भी बोलते कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ये चीज़ करनी होती है सो दैट कि सबका मुस्तकबल जे एंड के आगे बढ़े। लेकिन जब मेन यूथ ही सड़क पर है तो आगे वाली जनरेशन का पता नहीं क्या होगा। आवाम से हम ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आवाम का हम बहुत शुक्रगुजार है। सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हम प्रेस का पहले हैं और उसके बाद पुलिस इंतजाम का, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, क्योंकि वी आर डूइंग पीसफुली एवरीथिंग। और आवाम, अगर आप जो आपके जो भी मीडिया में आता है वो अभी इतना शेयर हो रहा है, वो शेयर कौन कर रहा है? हम तो 1200 लड़के हैं, हम तो 1200 बार शेयर कर सकते हैं। आपकी बाइट 2-3 लाख बार शेयर हुई है तो वो शेयर कौन कर रही है? वहाँ पब्लिक ही हमारे सपोर्ट में बोल रही है, तो पब्लिक तो खुद हर जगह नहीं आ सकती है। दे कैन जो शेयर करते हैं, जो उसमें सपोर्ट कमेंट्स आते हैं, दैट इज़ द सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक साइड। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। बट पता नहीं दो ही इदारे नहीं सुन रहे, ना तो बैंक सुन रहा है और ना यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सुन रहा है। यही है कि टुडे वी आर ऑन द साइलेंट प्रोटेस्ट एज वेल एज वी आर मेकिंग द ब्लैक डे आउट हियर। एंड सेकंड, इफ द थिंग्स रिमेन सेम, यही चीज़ चलती रही, तो हम नहीं चाहते हैं, खुदा ना करे कि हमें अब इसके बाद रेड कलर अपनाना।